दोस्तों आज के टाइम पर आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन को सीखना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के टाइम पर हर जगह पर ही आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का यूज़ हो रहा है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो या फिर आपकी डेली लाइफ। आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन अगर आप अगर नहीं सीखते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सफ़र करने वाले हो। लोग आपको हमेशा ही यूज़ करते रहेंगे और आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट भी कर पाएंगे और साथ ही आप जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोगों के मैनिपुलेशन से बच भी पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको रॉबर्ट मेयर की बुक दी आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन से 3 चैप्टर्स के बारे में बता दिया था, इस वीडियो को हम सीधा 4 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे के 4 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से आपका बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट 3 चैप्टर्स के बारे में नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इस वीडियो को देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है कॉग्निटिव मैनिपुलेशन। इस चैप्टर में हमें थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस के मैनिपुलेशन के बारे में बताया गया है। इसमें मैनिपुलेटर्स लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए गैस लाइटिंग और कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जैसी ट्रिक का यूज करते हैं। कॉग्निटिव मैनिपुलेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं जिसमें कि एक आदमी या फिर एक ग्रुप दूसरे आदमी या फिर ग्रुप की सोच के पैटर्न्स को और बिहेवियर्स को बदलने की कोशिश करता है। जिन नॉर्मल सिचुएशन में कॉग्निटिव मैनिपुलेशन का यूज़ किया जाता है उनमें से कुछ हैं। एक तरफ तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने के लिए अंदर से रोका जा रहा है, और अगर आप डाइट पर हो तो आपको फ्रूट खाने के लिए बोला जाए मीठा खाने की जगह। ये सारी चीज़ें ही कॉग्निटिव मैनिपुलेशन के अंदर ही आ जाती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के विचारों की वजह से हम वो काम करना शुरू कर देते हैं जो वो हमसे करवाना चाहते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई करना ही सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई करने वाले ही कामयाब होते हैं। जैसे कि हमें बचपन से ही बोला जाता है कि ज़्यादा तेज चिल्लाना अच्छी बात नहीं होती है, हमेशा हमें शांति से ही बात करनी चाहिए, बहुत धीमी आवाज़ में कम स्वर में बात करनी चाहिए। स्मोक स्क्रीनिंग रेड हियरिंग एक ट्रिक है जहाँ पर मैनिपुलेटर आपके सामने आने से बचने के लिए या फिर जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब ना देना पड़े उसके लिए एक अलग टॉपिक को आगे लाता है। अगर आप किसी मैनिपुलेटर के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं और वो तुरंत ही टॉपिक बदलना चाहता है तो ये एक बड़ा साइन है कि वो आपके साथ चालाकी कर रहा है। देखो किसी के बारे में भी जानना ही नेचुरली बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप ऐसा पाते हैं ना कि कोई भी अपने बारे में ज़्यादा जानकारी दिए बिना ही सिर्फ आपसे ही जाँच पड़ताल वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहा है, मतलब आपके ऊपर क्वेश्चंस की बारिश करे जा रहा है और अपने बारे में आपको सब कुछ नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो क्या पता कोई जानकारी इकट्ठा कर रहा हो, फिर वो बाद में उसे आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है। और जब उसे आपके बारे में सब कुछ पता होगा ना तो उसे आपको मैनिपुलेट करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, फिर वो आपकी वीकनेसेस का पता लगाकर उन्हें आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है। तो ऐसे लोगों से ज़रा सावधान रहें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कभी भी नए लोगों को जानना ही नहीं चाहिए, उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, कोई पूछताछ नहीं। आपको हमेशा अपनी एक बाउंड्री सेट करके चलनी चाहिए। अगर आप कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने में सहज महसूस नहीं करते हैं ना तो आपको उनको बता देना चाहिए कि आप इतने पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछें, अभी आप उनका जवाब नहीं दे सकते हैं, जब ज़रूरत होगी तो आप उन्हें खुद ही बता देंगे। आप कभी भी दूसरे को अपने ऊपर हावी ना होने दें और इस बात पर भी ध्यान दें कि कहीं आप भी तो इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप भी तो उनके ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इससे सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा और उसका आपके साथ जो रिश्ता है ना वो गहरा भी नहीं होगा और ना ही इमोशनल होगा, बल्कि वो एक टॉर्चर सा फील करेगा। तो ऐसा कभी भी ना होने दें। चैप्टर नंबर 5 है मैनिपुलेटिंग इन ग्रुप्स। इस चैप्टर में हमें जो ग्रुप्स में मैनिपुलेशन होता है ना उसके बारे में बताया गया है। कई बार कुछ ग्रुप्स के लोग किसी चीज़ को सही कह रहे होते हैं, भले ही वो वाकई में गलत ही हो फिर भी हम उसे सही मानने लग जाते हैं, तो ये भी मैनिपुलेशन का ही एक हिस्सा है। लेकिन इससे बचने के लिए पूरी तरह से आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, तभी आप लोगों के मैनिपुलेशन से बच सकते हो और लोगों को मैनिपुलेट भी जब ही कर सकते हो जब आप अपने कंट्रोल में हो, मतलब अपने ऊपर पूरी तरह से आपने पकड़ बना रखी है। मैनिपुलेशन इन ग्रुप्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक किसी फील्ड का लीडर हो सकता है जो कि अपने फॉलोवर्स में अपनेपन की मजबूत भावना पैदा करके और उनकी मान्यताओं और कामों को कंट्रोल करके मैनिपुलेट कर सकता है। और ग्रुप्स मैनिपुलेशन का यूज़ किसी परियोजना को पूरा करने के लिए किया जाता है, सब कुछ पहले से ही प्रीप्लान्ड होता है। एक ग्रुप के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा झूठी बातों को इस तरह से स्पेकुलेट किया जाता है, लोगों में फैलाया जाता है, जिससे कि वो लोग उसी बात को सच मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर जो मैनिपुलेटर चाहता है लोग भी वैसा ही करते हैं और लोग मैनिपुलेट होना शुरू हो जाते हैं। राजनीति में इसका यूज़ होना बहुत ही ज़्यादा आम बात है, पॉलिटिक्स में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है,
जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए, उसकी इमेज रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए कुछ ग्रुप्स के द्वारा लोगों तक कुछ ऐसे मैसेजेस को पहुंचाती है, फॉरवर्ड करवाती है, जिससे कि उसकी इमेज ख़राब होती है और लोग मैनिपुलेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो एक पार्टी को तो अच्छा मानने लगते हैं, दूसरी पार्टी को बुरा मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी पूरी तरह से सच और पूरी तरह से झूठ नहीं होता, हमेशा थोड़ा सच और थोड़ा झूठ होता है। तो आपको हमेशा इस तरीके से लेकर चलना है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से सही नहीं है, कोई भी पार्टी पूरी तरह से सही नहीं है, ना पूरी तरह से गलत है। अगर वो बीजेपी है या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कोई भी है, वो पूरी तरह से सही नहीं है, मतलब ब्लैंक नहीं है, पूरी तरह से वाइट भी नहीं है। भीड़ को कंट्रोल करना, कुछ ग्रुप्स को मैनिपुलेट करना अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है, और ये कोई एक इंसान नहीं करता है, कुछ ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है। अभी शायद आपको ग्रुप्स इन मैनिपुलेशन सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, आपको थोड़ा समझना है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको और भी ज़्यादा गहराई से समझेंगे, और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर चीज़ें जो आप कर रहे हैं ना, अपने कामों को कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं समाज के लेवल पर, बड़े लेवल पर, वो ग्रुप्स के मैनिपुलेशन से ही ले रहे हैं। आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है बड़े लेवल पर, मतलब ग्रुप्स के द्वारा मैनिपुलेट होकर ही आप उन एक्शंस को ले रहे हैं। तो इसको सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फर्स्ट पार्ट में जो 3 चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, एक बार ज़रूर देख लेना। चैप्टर नंबर 6 है मैनिपुलेशन इन नेगोशिएशन। इसमें हमें नेगोशिएशन सिनेरियोज में कैसे मैनिपुलेशन का यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। ये प्रॉफिट बनाने, बातचीत के नतीजों को प्रभावित करने के लिए एंकरिंग, फ्रेमिंग और इम्प्रेसिव लैंग्वेजेस का यूज़ करने जैसी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपर्ट कम्युनिकेटर अपने फेवर में फेवरेबल डील प्रोसेस करवाने के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस में मैनिपुलेशन कर सकता है। मेरे हिसाब से मैनिपुलेशन इन नेगोशिएशन कॉन्वर्सेशन का ये एक पार्ट है, बातचीत की प्लानिंग और तैयारी से ये डिसाइड करना कि अब सब कुछ सेट है। फिर आप वर्ड्स को डिसाइड करते हैं कि कौन से वर्ड्स आप शेयर करेंगे, किन किन बातों को आप शेयर करेंगे और क्या चीज़ आपको छिपानी है, क्या डाटा आप शेयर करने वाले हैं और कौन सा डाटा आपको छुपाना है। जो इन्फॉर्मेशन आप प्रदान करते हैं वो सामने वाले पर्सन को आपके पक्ष में फैसला लेने में हेल्पफुल होती है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझे तो ये उस समय की बातचीत पर डिपेंड करता है जब नेगोशिएशन हो रहा होता है। वो आपको कुछ ऐसी बातों को बताकर आपको चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि ये तो बिल्कुल मार्केट में अभी नहीं है, हर कोई यही ले रहा है, आप सिर्फ प्राइस पर ध्यान मत दो, क्वालिटी पर भी फोकस करो, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर जब आपका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होता ना, तब आप उसकी ऐसी मीठी मीठी बातों में आकर उस चीज़ को ले लेते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी आपका फ़ायदा नहीं कराना चाहता है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को बेच रहा है। तो आपको मैनिपुलेशन इन नेगोशिएशन को समझने के लिए, जब भी आपके साथ कोई चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको कुछ चेपना चाह रहा हो, कोई चीज़ बेचना चाह रहा हो, तो उस पर फोकस करना चाहिए और मैनिपुलेशन इन नेगोशिएशन को समझना चाहिए। आखिर में 7वां चैप्टर है इथिकल कंसीडरेशंस। अब आखिरी चैप्टर मैनिपुलेशन के इथिकल भाग को संबोधित करता है, यानी कि हमें कैसे मैनिपुलेशन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इथिकल तरीके से करना चाहिए। इसमें बोला गया है कि लीडर्स और मैनिपुलेटर्स को मैनिपुलेशन का यूज़ बहुत ही नैतिकता के साथ करना चाहिए, फिर सब कुछ आपके हाथ में ही होता है, इसीलिए कभी भी इसे नेगेटिव वे में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ये चैप्टर दूसरों को प्रभावित करते वक्त एग्रीमेंट एम्पैथी, मतलब सहानुभूति और नुकसान से बचने पे महत्व पर प्रकाश डालता है। मैनिपुलेशन से बचने के लिए सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और मैनिपुलेशन इस टॉपिक पर गहरे में विचार करना, उसके नेगेटिव रिजल्ट्स पर सोचना, फोकस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप तो मैनिपुलेशन करके किसी भी इंसान से अपना काम निकलवा लोगे, उसे सेड्यूस कर दोगे और वो आपके लिए सब कुछ करने को राजी होगा, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मैनिपुलेशन का उस पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। आपको हमेशा मैनिपुलेशन के नेगेटिव इफेक्ट को भी, नेगेटिव साइड को भी देखकर चलना चाहिए कि सामने वाला कहीं पागल तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसका माइंड इतना ज़्यादा कंट्रोल में ही ना हो और वो पूरी तरह से अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठे। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए, इस पर भी फोकस करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया और इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सभी राइटर्स के अपने विचार हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आप इस पर अपने विचार देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो, ये बुक समरी पूरी तरह से इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए, इसे बिल्कुल भी नेगेटिव वे में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मैनिपुलेशन वाले बिहेवियर्स को हम बिल्कुल भी सपोर्ट या फिर प्रोत्साहित नहीं करते। तो अगर आप इन टेक्निक्स को यूज़ करना चाहते हैं ना, तो बहुत ही सोच समझ कर ही यूज़ करें। हमेशा नुकसान से बचने के लिए ही मैनिपुलेशन का यूज़ करें, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मैनिपुलेशन का यूज़ करें, मतलब नेगेटिव वे में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, भूल कर भी। अब मैं आपको मैनिपुलेशन के 4 स्टेजेस के बारे में बताता हूँ। 1, मूल्यांकन करना। मैनिपुलेटर्स जब भी किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं ना, तो वो सबसे पहले टारगेट के डिज़ायर्स,
गोल्स और उसकी इंस्पिरेशन का पता लगाते हैं। वो पहले ये जानते हैं कि उसे क्या करना पसंद है, क्या चीज़ें पसंद हैं। नंबर सेकंड है बॉन्डिंग स्टेज। मैनिपुलेटर्स हमेशा फ्रेंडली और सिंपैथी से भरा हुआ ट्रस्टवर्दी दिखने की कोशिश करते हैं ताकि वो टारगेट के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध बना सकें। ये ट्रस्ट क्रिएट करता है और अपने एम को प्रभाव के प्रति और अधिक ग्रहणशील बनाता है। थर्ड है मैनिपुलेशन स्टेज। मैनिपुलेटर्स अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए और उन्हें हासिल करने के लिए अपने एम के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर में बदलाव करने के लिए उन्हें गिल्टी फील कराता है। उसको ऐसा फील करवाता है कि उसमें कोई गलती है। और यहाँ पर गैस लाइटिंग का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में थर्ड चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। मैनिपुलेटर उसको गलत इन्फॉर्मेशन देता है, चापलूसी करता है और ज़बरदस्ती जैसी अलग अलग रणनीतियाँ अपनाता है। नंबर फोर पे आता है मेंटेनेंस स्टेज। जब मैनिपुलेटर एक बार मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल हो जाता है फिर उसे मैनिपुलेशन को मेंटेन करके चलना होता है, जिसके लिए वो मैनिपुलेशन को बचाए रखने के लिए उसे बाहरी प्रभावों से अलग करके रखता है। मतलब बाहर के ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट नहीं होने देता है अपने टारगेट पर, उसकी फीलिंग्स को ट्रिगर नहीं होने देता है बाहरी प्रभावों के कारण, और फिर अपने टारगेट को मैनिपुलेट होते रहने के लिए डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, खुद पर डिपेंड कर देता है। आमतौर पर मैनिपुलेशन को अनएथिकली माना जाता है क्योंकि लोग इसका यूज़ दूसरों का शोषण करने के लिए करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए, परेशान करने के लिए करते हैं। लेकिन आप ऐसा कभी भी ना करें, ये मानवता के, इंसानियत के तो खिलाफ है ही, इंसानियत तो मर ही जाती है और उसके बाद ये बहुत ही बड़ा क्राइम भी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीने के लायक भी नहीं है, बिल्कुल ही बेकार इंसान है। आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बुक आपको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बाकी अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना, थ्री चैप्टर्स के बारे में नहीं जाना है, तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दूंगा, मतलब उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो, वहां की चैनल से भी चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक ऐसे देखते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।